फर्स्ट टाइम पेपर देने वाले कॉलेज के, तो इस बार हमें बीए के पेपर देने हैं। तो सर बीए के पेपर देने के लिए हमें क्या दिमाग रखना पड़ेगा, किस तरह हम उसमें मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं? सीरियसली क्वेश्चन की रिक्वेस्ट बार बार बच्चों की आती है, सर एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसके अंदर आप बताओ कि बीए के एग्जाम देते हो हमें किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या डिफरेंस होता है बीए और स्कूल के एग्जाम्स में, तो हम इनमें मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट थिंग जो हमें क्लियर करनी है दैट इट इज ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम। यस, यू आर नॉट गिविंग द एग्जाम ऑफ क्लास 12th, तो ग्रेजुएशन में आते हैं हमारे दिमाग में चीजें आती हैं कि यार हम नंबर कैसे लेके आएंगे, हाउ विल गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। तो नॉर्मली आपके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया रहता है कि यार प्रिपरेशन जैसे भी है आंसर बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि नंबर तभी मिलेंगे जब हमारे आंसर परफेक्ट होंगे। परफेक्ट आंसर के लिए हमेशा याद रखना टू राइट ऑन बेस्ट आंसर व्हाट वी गाइस नीड टू क्लियर इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑनेस्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पूरे पेपर को बहुत वाइजली रीड करना है। यस यू गाइस नीड टू रीड द एंटायर पेपर, बड़े आराम से पूरे पेपर को पढ़ोगे उसके क्वेश्चंस को क्लियर करोगे। सबसे पहला काम, इससे पहले आप आंसर पे जाओ। ऑनेस्टली मैं गलत नहीं बोलूंगा आप लोगों कि आप जिधर जाम करोगे सर हम आंसर कैसे लिखेंगे, उसके लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ना, थॉरली क्वेश्चन को पढ़ना और याद रखना यहां पे हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो एक दो तीन चार नंबर वाले नहीं होंगे, वो सीधे से 10, 15 और 20 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो आपने कहा यस वी डू हैव लॉन्ग क्वेश्चंस, जो सबसे पहली चीज है कि सर जो एग्जाम में क्वेश्चन होंगे ना वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो पहले क्वेश्चन को चूज करना एंड यू हैव प्लेंटी ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस भी होंगे। आपने कहा ऑप्शंस, तो सबसे पहला काम होगा बेस्ट ऑप्शन को चूज करना। ये बेस्ट आपके हिसाब से बेस्ट होना चाहिए जो आपको आते, जो क्वेश्चन आपको ऑन टिप है। मुझे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे पेपर की बात कर रहा हूं मैं। आपने बीए के पेपर देने और बीए के पेपर्स में हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, हाउ टू राइट ऑन बेस्ट कॉपी, उसको पहले क्लियर करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को चूज करना है बहुत वाइजली, बड़े आराम से आप क्वेश्चन पढ़ोगे। यदि ये वाले क्वेश्चन है जो मुझे आते हैं, जो आपने क्लियर करे कि ये क्वेश्चन है। आप आते हैं नंबर टू पे, तो पहला पॉइंट जो हम यहां पे लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट रीड ऑल द क्वेश्चंस एंड चूज द बेस्ट वंस। ये बेस्ट का मतलब याद रखना, ये बेस्ट का मतलब है वो जो आपको बड़े अच्छे से आता है। आई रिपीट, रीड ऑल द क्वेश्चन एंड चूज द बेस्ट, जो आपके हिसाब से बेस्ट है कि ये क्वेश्चन मुझे बड़े अच्छे से आते हैं। नंबर टू, सीरीज ऑफ नंबर टू पे आते हैं, ये हमारा आ गया द स्ट्रक्चर यू आंसर। ऑनेस्टली आपने कहा पॉइंट नंबर टू ये वो चीज है जो आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, स्ट्रक्चर योर आंसर। अपने आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू रूल आउट दिस फैक्ट, उसके पॉइंट क्या होंगे, किनको दिमाग में रख लेना है और कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर योर आंसर, दिस व्हाट आई रियली वांट। आप अपने आंसर को पूरा स्ट्रक्चर करोगे, ये है आंसर मेरा, इसको ऐसे लिखना है। तो एक चीज पहले क्लियर करता हूँ, 12th में वहां पर जाता हूँ, जिन्होंने 12th में एग्जाम दिए तो हम पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखते थे। यस, पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखते थे, तो पैराग्राफिक फॉर्म में आंसर नहीं लिखने हैं, आपको आंसर्स देने हैं पॉइंट्स में। यस, पॉइंट्स में देने हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन देनी है। मतलब हो सके तो ट्राई टू गिव एग्जांपल्स इन योर आंसर। देखो मैंने पहले क्या बोला, आप अपना आंसर शुरू करो, स्ट्रक्चर योर आंसर में क्या क्या आता है। सबसे पहले इंट्रो, लुक एट इट, पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे पूरी कि आप क्या लिखने वाले हो। नंबर टू, देन डेफिनेशन। ऑनेस्टली अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं साइंस स्ट्रीम का हूं या मैं कॉमर्स स्ट्रीम का या ह्यूमैनिटीज का हूं, स्टेप बाय स्टेप यही चलोगे आप। आप बोलोगे पहले आप इंट्रो दोगे, नंबर टू डेफिनेशन पे जाओगे,
नंबर थ्री सीरीज इज दिस रियली इंपॉर्टेंट। आपने का फर्स्ट हमने इंट्रो दिया, दूसरा हम डेफिनेशन पे आ गए, अलग अलग डेफिनेशन पे आ गए, अब आएंगे मेजर पॉइंट के ऊपर। मेजर कंटेंट, लुक एट स्ट्रक्चर यू आंसर में इंट्रो डेफिनेशन मेजर कंटेंट जो आप लिखना चाह रहे हैं वो बताएंगे आप। Porch and the last conclusion, तीन चीजें लगातार साथ में चलती हैं। आप जब आंसर को स्ट्रक्चर की बात करते हो, स्ट्रक्चर मीन्स ये पांच स्टेप्स आपको जो क्लियर करने। ये जो मैंने स्पोर्ट लिखा ना, इसका एग्जांपल दूंगा। स्पोर्ट का मतलब है अपनी बात को सही प्रूफ करने के, कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट लिखना जिसको प्रूफ करे, चाहे वो टेक्स्ट से हो, चाहे लिटरेचर का वो पार्ट हो, चाहे उस कंटेंट की कुछ वेरिफिकेशन दी गई हो आपके बुक या लिटरेचर जो आपने टेक्स्ट को पढ़ा है उसके अंदर, वो यहां डिफाइन करना आपने। एंड देन कम टू कंक्लूजन। कंक्लूजन इज अ की। यस, व्हेन यू आर डूइंग अ ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन में आपके आंसर में कंक्लूजन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज रियली की। कैसे लिखते हो, लिखने का तरीका क्या है, कौन से बेसिक फॉलोअप है जो हमारे दिमाग में होने चाहिए, जो हर स्टूडेंट को ऑन टिप कर लेने। सो दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे क्वेश्चन रीड करने हैं, नंबर टू स्ट्रक्चर करना अपने आंसर को जिसमें आप ये पॉइंट्स बोल दो। स्ट्रक्चर योर आंसर मींस इंट्रो डेफिनेशन मेजर कंटेंट स्पोर्ट एंड कंक्लूजन, स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पॉइंट आपको ऑन टिप होने चाहिए, ये दिमाग में बैठ जाने चाहिए यार ये चीजें हमें एक्सप्लेन करनी। ये हो गया। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान रखना है, यूज सिंपल लैंग्वेज। प्लीज कुछ जरूर से ज्यादा हटके नहीं लिखना। हमेशा याद रखना जो बहुत सिंपल लिख रहा होता है उसको बिल्कुल काउंट किया जाता है। तो गो विद द फ्लो। यस, गो विद फ्लो। गो विद फ्लो का मतलब है यूज ऑलवेज सिंपल लैंग्वेज, इजी टू अंडरस्टैंड, जो आराम से समझ में आ जाए। मैं इस क्लास में अगर बोलता हूँ कुछ ज्यादा जरूर से तेज बोलूँ या जरूर से ज्यादा फ्लुएंट वे में बोल दूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ ताकि सारे के सारे बच्चे इजिली समझ जाए। तो यही एग्जामिनर के लिए करना है आपने। आपने अपनी लैंग्वेज जो यूज करनी है इन बिटवीन आंसर, वो सिंपल लैंग्वेज होगी। दैट मस्ट बी अ सिंपल लैंग्वेज। तो आपने कहा थर्ड पॉइंट इज सिंपल लैंग्वेज। यस, यू नीड टू यूज अ सिंपल लैंग्वेज, दैट बी अ की। तो ये चीजें काउंट होती हमारे आंसर में। हमने कहा किसी चीज को फॉलोअप करना है, चीजें कैसे इंप्लीमेंट होंगी, तो तीन स्टेप अगर मैं वाली ओर चलता हूं, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई भी चीज जो मेरे को पता है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, उसको एड ऑन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने स्ट्रक्चर पे काम कर लिया, मैंने लैंग्वेज को यूज किया। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्लीज जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, आंसर को लेंथ देने के लिए ना क्या करते हैं, जो भी उनको पता है, जो भी उनके दिमाग में सब कुछ लिखे आ रहे हैं। सीरियसली, नो नीड फॉर दिस। डोंट राइट एवरीथिंग यू नो। यस, डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, ये दिमाग में रख लेना। अगर आप ये चीज समझ गए तो डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल परफेक्शन में जाएगा एंड यू गेट व्हाट यू वांट। डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, ये दिमाग में प्लीज रखना यार। कई बच्चे का मैं सब कुछ, मुझे ये भी पता है, मुझे इसका ये भी पता है, उसका ध्यान रखना आपने। तो फोर्थ पॉइंट, डोंट राइट एवरीथिंग यू नो, एंड नाउ टाइम टू वर्क ऑन द लास्ट पॉइंट, दैट इज द की। सो फिफ्थ पॉइंट जिसको आप बोलते हो अपने आंसर को, जो हमें लास्ट में करना है, रिव्यू कर लेना है। और रिव्यू करते चीज का ध्यान रखना, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना। प्लीज रिव्यू योर आंसर एंड चेक योर वर्ड लिमिट। ये वो ब्लंडर है जो मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं। जैसा हम तो ट्वेल्थ के दौरान कर रहे थे, जो हुआ सीरियसली कर रहे सर, काफी टाइम बाद एग्जाम देख रहे थे, ये गलती जरूरत नहीं है, ना तो इसकी गुंजाइश है, ना आपको इसके लिए जगह दी गई है। तो रिव्यू आंसर बिफोर सबमिटिंग योर पेपर, ऑनेस्टली रिव्यू योर आंसर बिफोर सबमिटिंग योर पेपर,
एंड चेक वर्ड लिमिट। ये वो पॉइंट्स हैं जो आप अगर दिमाग में रखते हो ना, तो यस यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन योर बीए और ग्रेजुएशन लेवल। तो गाइस जस्ट फॉलो दिस, आई प्रॉमिस यू गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स। इन चीजों को बिल्कुल भूलना, जस्ट फाइव थिंग्स, ऑल द बेस्ट।